खरगोन में बस चालक परिचालक संघ ने बसें नहीं चलाने की चेतावनी दे दी है। प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार से उन्होंने मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान बसें बंद होने से कई परिवारों के ऊपर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। राशन से लेकर अन्य सुविधाओं के साथ प्रति परिवार को नगद मदद भी मिलनी चाहिए। प्रदेश सरकार जल्द ही बस चालक परिचालक परिवारों के हित में कदम उठाए, नहीं तो बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री नरेंद्र पटेल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शीघ्र मांग पूरी होनी चाहिए। तो वहीं परिचालक संघ के राजेश चौबे ने कहा है कि जिले में 5,000 से अधिक परिवार हैं जिनके ऊपर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, उनकी मदद जरूर मिलनी चाहिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खरगोन से जाकिर खान की रिपोर्ट। सोफा एजेंट साहब को क्या मांग रखी है आप लोगों ने? हमने ये मांग रखी है कि इनको कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, बस चालू करने के पहले इनको पीपी किट उपलब्ध करवाए जाए, आर्थिक सहायता के रूप में 9,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाए, आरटीओ पंजीयन करवाने के लिए स्वास्थ्य ये आरटीओ शिविर लगाए जाए, तुरंत विशेष सामग्री इनको विशेष रूप में पैकेज के रूप में दिए जाए, सरकारी योजना का लाभ दिया जाए और गरीबी रेखा का राशन कार्ड है। अभी हम देखो थे लंबे समय से लॉकडाउन के दौरान बसें भी बंद है, इन लोगों का काम काज भी बंद है, ऐसी स्थिति में आर्थिक परेशानी परिवार की भी आ रही होगी, क्या मांग करें कुछ आर्थिक सहायता भी? आर्थिक सहायता के रूप में हमको पहले विशेष सामग्री के रूप में अनाज दिया जाए इनको और प्रति माह 9,000 रुपये देने का मासिक वेतन दिया जाए। क्या लगता है जैसे अभी बसें वगैरह चालू की जाती है तो अगर मांग पूरी नहीं होती है और बसें भी चालू हो जाती है तो क्या ये लोग काम पे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। जब तक इनकी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, सरकार की तरफ से इनको पीपी किट उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। भारतीय मजदूर संघ ये ऐलान करता है कि इनकी सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा और जब तक इनको सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी शासन प्रशासन की ओर से, जब तक ये काम पे नहीं जाएंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर।